अब देखते हैं हम लोग जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझे हैं, अब उसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको इस तरह का एक चार्ट एक्स और वाई दो क्वांटिटीज का वैल्यू दिया है। क्या वैल्यू दिया? एक्स 12, 14, 70, 80। दूसरा क्या? वाई 36, 42, 210, 240। ऐसे यहां पर देखने से भी पता चल रहा है कि 12 से 14 बढ़ गया, 14 से 70 बढ़ गया, 70 से 18 बढ़ गया। एक क्वांटिटी बढ़ रहा है, दूसरा का वैल्यू क्या हो रहा है? देखो 36 से 42 ज्यादा हुआ, 42 से 210 ज्यादा हुआ, 240 और ज्यादा हुआ। तो जैसे जैसे फर्स्ट क्वांटिटी बढ़ रहा है, सेकंड क्वांटिटी भी बढ़ रहा है। ये हम देख के बता सकते हैं, यदि एमसीक्यू में पूछे तो ये डायरेक्ट प्रोपोरेशन है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट वेरिएशन है। लेकिन यदि हम उसको बना के दिखाएं तो कैसे दिखाएं? एक्स वन बाय वाई वन, हम बोले थे कि डायरेक्ट प्रोपोरेशन में कॉन्स्टेंट जो होता है एक्स बाय वाई लेना है, एक्स इंटू वाई नहीं, डायरेक्ट में एक्स बाय वाई। तो एक्स बाय एक्स वन बाय वाई वन 12/36, 12 1 12, 12 3 36, 12 से ये कैंसल हो गया। फिर एक्स टू बाय वाई टू 14/42, 14 1 14, 14 3 1/3। फिर एक्स थ्री बाय वाई थ्री वैल्यू फाइंड कीजिए 70/220, तो ये 0 0 7 1 7 7 3 यानी कि 1/3। तो हम क्या देखते हैं? एंड एक्स फोर बाय वाई फोर वैल्यू लास्ट 80/240, इसको कैंसिल कीजिए 8 1 8 8 3 जाए। हम क्या देखते हैं? एक्स बाय वाई हर जगह एक्स बाय वाई इक्वल वैल्यू है। देखेंगे यार एक्स बाय वाई इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट मीन्स क्या हुआ? इक्वल है, मतलब हर जगह कौन। सो इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन लिख दिया, हो गया। तो इस तरह से हम पहचान लेंगे यदि एक क्वांटिटी बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है तो डायरेक्ट वेरिएशन में। लेकिन बना के कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखाएंगे। ओके, अब इनवर्स वाला भी बता देते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब एक एग्जांपल के साथ एक क्वेश्चन भी लेते हैं कि इनवर्स प्रोपोरेशन है या डायरेक्ट प्रोपोरेशन, कैसे चेक कीजिए। आपको ऐसे कॉलम बना के दिया हुआ है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका वैल्यू देखते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी 10 5 4 6 8, देखिए न ही बढ़ रहा है न ही घट रहा है, आगे पीछे कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। यहाँ पर भी देखिए 12 24 30 20 15, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। तो ये तो क्लियर है कि ये डायरेक्ट प्रोपोरेशन में, डायरेक्ट प्रोपोरेशन में रहता तो जैसे जैसे यहाँ बढ़ता वैसे वैसे यहाँ भी बढ़ता, लेकिन यहाँ वो लागू नहीं हो रहा। तो क्या ये इनवर्स प्रोपोरेशन है? तो इनवर्स प्रोपोरेशन है तो कैसे हम इसको प्रूव करें? एक्स वन इंटू वाई वन, यानी पहला जो कॉलम दिया इसको इंटू करके देखिए कितना आता है 120। फिर दूसरा कॉलम देखिए एक्स टू इंटू वाई टू 5 × 24, दैट इज 120। फिर तीसरा ले लीजिए 4 × x3 × y3 4 × 30, ये भी 120। इसी तरह से आप x4 × y4 निकालिएगा 6 × 20 6 × 20, तो 6 × 12 120। x5 and y5 यदि हम ले लेते हैं तो 8 × 15। हम क्या देखते हैं कि x × sin x into y is equal to constant, into में यदि constant है so it is in, क्या लिखेंगे? So it is inverse या indirect, indirect और inverse, एक कोई भाषा लिखना है proportion, inverse proportion। डायरेक्ट क्यों नहीं हुआ? देखिए x बाय वाई निकाल के देखिए, कहीं इक्वल नहीं होगा, x इंटू वाई इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेंगे कि ये डायरेक्ट।